तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को छुटलाओगे? अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली मेंबर्स, जुम्मा मुबारक। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी जो है वो खैरियत से हूँ और रूटीन में वापस आ रही हूँ। जाहिर सी बात है, दुनिया है, काम है, चलना है और बच्चों को देखना है, अपना घर को देखना है, फैमिली देखनी है। तो अब ये तो नहीं है कि हर वक्त जो है वो उदास रहूं, और अगर मैं उदास रहूंगी तो मेरे अब्बू को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि जो है वो मेरे अब्बू जो है वो मुझे उदास नहीं देख सकते थे और ना जो है वो मेरे आंखों में आंसू देखते थे। मेरी हर ख्वाहिश, हर फरमाइश फौरन पूरी होती थी, तो मुझे रोना नहीं पड़ता था बचपन से लेकर अब तक जो है वो। जब भी मैंने कुछ कहा है, मेरी अम्मी अब्बू दोनों जो है वो मेरी हर फरमाइश हर ख्वाहिश जो है ना वो पूरी करते थे, तो वो मुझे रोने नहीं देते थे। तो फिर मैं जो है वो अभी भी रो कर या वो करके उनको तकलीफ़ नहीं पहुंचाना चाह रही। बहुत कोशिश करूँ इंशाल्लाह जो है वो ना रोऊं और दिल अफसरदा ना करूँ। बस ये सोच के जो है वो मैं खुश हो रही हूँ और खुश होती रहूँगी कि अल्लाह पाक ने पूरा रमज़ान दिखा के और ईद वाले दिन जो अल्लाह पाक का जो है वो ईद का तो ईद जो दिन होता है वो अल्लाह का तोहफा होता है रमज़ान के बाद जो है रोज़ेदारों के लिए। तो उसमें अल्लाह पाक ने बुलाया मुझे, ये देखकर ये सोच के बहुत खुशी है। और इंशाल्लाह इंशाल्लाह जो अब्बू जो हैं वो बहुत अच्छी जगह होंगे और बहुत आला मकाम मिलेगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अल्लाहुम्मा आमीन। और बस दुआ करती रहिएगा। वैसे हम लोग जो है वो दुआएँ वगैरह कर ही रहे हैं और रोज़ पढ़ाई होती है, रोज़ कुरान शरीफ वगैरह पढ़ते हैं और हर जुम्मे रात को जो है वो हम जो है वो बख्श देते हैं। बस यही दुआ है कि अपने हम बच्चे जो हैं अब्बू के लिए जो है वो सबका जारिया बने, और फिर इसी तरह हम अपने भी औलादों को चाहेंगे कि वो भी हमारे लिए ऐसे ही जो है ना हमारी औलादें हमारे लिए सबका जारिया बने। तो बस इंशाल्लाह ऐसे ही काम जो है करते रहेंगे। अभी मैं जुम्मा मुबारक आपको सबसे पहले करूँ, और जो है वो मैं अभी बस जुम्मे की नमाज़ पढ़ के जो है वो अभी बैठी थी। ये मैं पहनी हुई थी, ये मैं लाई थी मक्का से ना, इसी तरह के मैंने स्कार्फ लिए थे, दो तीन लिए थे। एक मैंने जो है अपनी सास को दिए, एक मैंने अपने लिए लिया, एक मेरी अम्मी को मैंने वो दिया जो मैंने उम्रे पर जो है वो पहना था। तो ये था, ये मैंने नमाज़ के लिए रखा हुआ है। जब जब मैं नमाज़ पढ़ती हूँ तो मैं इसी से ही पढ़ती हूँ, और बस अब जो है वो रूटीन स्टार्ट है। अभी जो है मैं कुरान पाक जो है वो पढ़ने के लिए बैठ रही थी, तो मैंने कहा इंशाल्लाह पहले जो है आप लोगों से बात कर लूँ और रूटीन की तरफ आ जाएँ। और ये है मेरे बेटे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? ठीक है। और नमाज़ पढ़ी थी आपने? जी नमाज पढ़ी थी। गुड, चलें जी बैक टू रूटीन है। और खाना मांग रहे हैं, खाना देते हैं? मम्मा यार अभी क्यों नहीं? नहीं पहले खाना खाएंगे बाद में, सही अभी नहीं टाइम नहीं है। ये मेरे बच्चे लेटे हुए हैं अंधेरा करके, नमाज पढ़ के आ चुके हैं और अब लेट के टीवी देख रहे हैं। एग्जाम्स इनके ख़त्म हो चुके हैं और अब मज़े से हैं। कल लास्ट पेपर था इनका, और जो है ये कल लास्ट पेपर था इनका, और जो है वो बहुत अब रिलैक्स हुए हुए हैं और बहुत मज़े से हैं। अब जो है तो बस जो है वो अब कुरान शरीफ पढ़ूंगी और ये उतार के और जो है वो दुपट्टा पहनती हूँ। तो जी भाई ये दुपट्टा पहन लिया है, और ये सूट जो था वो मेरा सफ़ायर का है, इस पे ये बना हुआ है, और इसके अलावा बहुत ज़बरदस्त था, टेलर ने जो है ना बहुत ज़बरदस्त सिया था। ये पिछले साल का सूट है, अभी का नहीं है। तो हम मैंने कहा अब वैसे जो है वो लॉन के सूट का मज़ा जो है ना एक साल के बाद आता है, और वैसे तो ये एक ही दफ़ा धुला है लेकिन जो है ना वो लाइट हो जाता है धुलने के बाद। लेकिन ये ख़राबी ये है कि इसमें के देखिए सफ़ायर का सूट है, इसमें से सारे जो है ना दुपट्टे में से धागे निकल रहे हैं,
तो बस जो है वो अब बिरयानी बनाई थी कल भाई ने जो है, तो वो बची हुई थी, तो मैंने कहा चलें जी दोपहर में आज जुम्मे का दिन है तो वो चावल तो मस्त होते हैं, तो वो अब इनको जो है वो खाने को देते हैं। खाना खाने के बाद अभी मैं इन लोगों को खाने को दूंगी, मैं जाऊंगी कुरान शरीफ पढ़ने के लिए और फिर इंशाल्लाह आपसे जो है ना थोड़ी देर बाद मिलते हैं। जब तक ये मैं कुरान शरीफ जो है वो मक्के से लिया था माशाल्लाह, अब मैं इसी में आजकल तो मैं इसी में ही कुरान पाक पढ़ रही हूँ। अल्लाह पाक हम सबको तौफीक दे कुरान पाक पढ़ने की, इसको समझने की, समझ कर पढ़ने की। बहुत प्यारा है मेरा ये माशाल्लाह से। अस्सलाम वालेकुम। हाँ तो जी मैंने आपको बताया था दोपहर की रूटीन थे, और खाना खाने के बाद जो है वो मैं चली गई थी अपने नेबर में, वहाँ पे ख़त्मे कादरिया था तो वहाँ पे एक घंटे का, और वहाँ से फिर मैं ख़त्मे कादरिया पढ़ के दुआएं वगैरह करके माशाल्लाह से, और फिर उसके बाद आंटी ने बहुत अच्छे छोले बनाए थे, दही बड़े बनाए थे, वो सब खा के अलहम्दुलिल्लाह और बहुत बहुत अच्छा था। और सिवैयों का मीठा भी जो उन्होंने बनाया था वो भी बहुत अच्छा था, वो खा कर और फिर मैं अभी आई घर पर, और घर पर बस आके अभी मैं असर की नमाज़ पढ़ूंगी और चाय बनाऊंगी अपने लिए, फिर चाय बना के। हाँ जी बोले। मैं नानू क्यों वो अभी तो वो खेल रहे थे, आप उससे वो दिखाओ अपना क्या लेकर आए थे कल, कल ही अपने मामा के साथ जाके स्लाइम लेकर आए, किले ये किले लेकर आए थे। बस जो बोलते हैं वो मामा तो पूरी करते हैं, फरमाइश पूरी है। हैं बनाए थे स्टार्स बनाए थे, वो कहाँ गए? वो उसका नाम मिल गया था। क्यों? वो जो सूख रहा था। चलो तो आप सारा निकाल रहे हैं ना, बहुत सारा ये पूरा खराब हो जाएगा एक ही दफा में। चलो स्टार्स बनाए तो फिर मुझे दिखाइएगा। सही है। और आप क्या कह रहे हैं, आपकी तो ट्यूशन जाने का टाइम हो रहा है। नहीं गेम नहीं खेल रहा है, और वो पढ़ेंगे भी है, ऐसा थोड़ी है। तो उनके अभी तो पेपर खत्म हुए हैं, आप ये भी तो देखे ना भाई की पेपर खत्म हुए ना अभी, है ना? तो ये भाई का रिलैक्स का टाइम है ना। तो स्कूल भी आना था, हाँ मंडे को स्कूल भी तो जाना है आपको जी। स्कूल भी नहीं आ रहा, ट्यूशन क्यों नहीं आ रहा? अभी स्कूल जाएंगे ना, मंडे को है क्लासेस, है ओरिएंटेशन की क्लास है, और वो तो राइटिंग भी कराती हैं, अभी अच्छा मैं उनको बोल दूंगी कि वो भी करा देंगी। वो मैथ्स भी तो कराती हैं, कराती हैं ना, कराएंगी अभी, करा देंगी। अभी तो आपका वो ऑफ चल रहा है ना, तो इसलिए बस जो हो रहा है वो नॉर्मल चल रहा है काम वगैरह। अच्छा मैं बोल दूंगी, सही है। अच्छा चलो 5 मिनट के लिए चले, फिर उसके बाद ट्यूशन, ठीक है? ओके चलो ठीक है, जाओ ये कब्बे को भगा के जाओ, ये आगे बढ़िया। चले जी अब इंशाल्लाह नमाज पढ़ के और फिर आपसे जो है वो मुलाकात करती हूँ। जी नमाज भी पढ़ ली है और चाय भी बन गई है, शाम का टाइम हो रहा है और चाय एंजॉय करते हैं यहाँ अपनी बालकनी में खड़े होकर। और काफ़ी टाइम के बाद खड़ी हुई हूँ मैं अपनी बालकनी में, टाइम ही नहीं मिल रहा था, तो मैंने कहा चले चाय पीती हूँ यहाँ पर, शाम को दिखाती हूँ आपको भी। यहाँ बिल्डिंग बन रही है, देखें कितनी बड़ी सी बिल्डिंग अभी बनना स्टार्ट हुई है, देखें कब बनती है। अभी हमारे बराबर में बिल्डिंग बनी है, बहुत अच्छी बनी है, और अभी तक तो फैसिलिटीज़ वहाँ पे भी बहुत अच्छी दे रहे हैं। देख खैर मुझे भी यहाँ पर जो है वो बड़ी अच्छी हवा आती है हमारे घर पर भी, अभी तो लाइट गई नहीं है। वैसे दिन में अगर लाइट गई थी परसों, तो हमने जो है वो यहाँ से ये दरवाज़ा वगैरह खोल दिया तो रोशनी बहुत अच्छी आती है घर में ना। और फ्रंट के घरों का और ऊँचे घरों की बात अलग होती है, वहाँ पर जो है ना ये है कि रोशनी वगैरह अच्छी आती है, हवा भी अच्छी आती है और नज़र भी आ जाता है, बोर नहीं होते, किसी को देखना है कुछ करना है, यहाँ से झाँक लिया
बारिश हो रही है यहाँ से देख लिया, या फिर जो है वो मौसम अच्छा है तो आके खड़े हो गए अपनी बालकनी में। तो अभी बारिश हुई थी तो रात के टाइम हुई थी, तो मैंने यहीं से जो है वो देखा था, नीचे करके नहीं गई थी। तो बस यही है, अभी मैं चाय जो है वो अपनी इंजॉय कर रही हूँ। अब उसके बाद जो है वो मरहला आ जाएगा खाने का, रात के खाने का। तो अरे भाई क्या बनाओ, रोज का मसला, क्या पकाओ क्या करो। तो बस जो है वो अभी सोचते हैं क्या बनाना है, बच्चों से पूछती हूँ, समझ नहीं आ रहा क्या बनाऊँ। चले जी फिर बनाएंगे तो फिर मिलेंगे, अभी थोड़ी देर बाद मिलती हैं आपसे, अपनी चाय एंजॉय करके। आप लोग भी पियेंगे, आ जाए मेरे साथ चाय पीने के लिए। चाय फिनिश हो चुकी है और अब हम जाते हैं पकाने खाना, और देखते हैं क्या बनाते हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा, आलू बनाऊं, आलू की कतनियाँ बनाऊं, आलू अंडे बनाऊं, सालन बनाऊं, या कीमा बनाऊं, या गोश्त बनाऊं, जो जल्दी बन जाएगा ना फटफट फटफट वो बना लेती हूँ। क्योंकि जो है वो वैसे तो मैं दिन में ही बना लिया करती थी, आज टाइम नहीं मिला क्योंकि मैं चली गई थी पढ़ने के लिए, आपको बताया था ख़त्मे काजरिया में। तो वहाँ से यहीं शाम हो गई, बस चाय वाय पी है मैंने, और जुम्मे का दिन भी था तो इतना शॉर्ट लगता है नमाज वगैरह, ये वो टाइम ही नहीं मिला। खैर अब जो है वो जाके पकाते हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या बनाए, तो देखते हैं जो बनाऊंगी फिर मैं दिखाऊंगी आपको, बता दूंगी। बाकी उस टाइम तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा। और अभी तो 15 दिन हुए हैं मेरे अबू की डेथ को, तो अब प्लीज़ दुआओं में याद रखिएगा और दुआएं मगफरत करते रहिएगा, और जो है वो इंशाल्लाह कोशिश करूँगी। और अभी मैं ही पढ़ रही थी, मोबाइल मेरे हाथ में था तो मैं पढ़ रही थी कि हुज़ूर सल्लम ने फरमाया अस्तग़फ़ार की कसरत करते रहा करें। अस्तग़फ़ार जो है वो गम गुस्सा मुसीबतें हर चीज़ को टालता है, तो इंशाल्लाह मेरे भी गमों को दूर करेगा सफ़ार। मैं सफ़ार की कसरत करती हूँ अभी, और जो है वो साथ साथ जो है वो खाना भी बनाते हैं। और जुम्मे का दिन है, जितना दुरूद शरीफ पढ़ें उतना अच्छा है, और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ के भेजें, और दुआओं में याद रखें हमें भी, हम भी आपको याद रखेंगे। और तो बस लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा अपनी फैमिली फ्रेंड्स में, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा ताकि आने वाली सारी वीडियोस जो हैं वो मेरी आप तक पहुंच सकें। और लाइक करिएगा प्लीज़, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और मुझे पता है आप लोग मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं और जो है वो मेरी वीडियोस पसंद भी करते हैं। तो देखते रहिए, मेरे साथ जुड़े रहिए, कनेक्शन बरकरार रखिएगा, और दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। तो जी अब खाना खाने के लिए बैठ गए हैं, अब खाना खा रहे हैं। अभी मैंने बनाया था अंडा घोटाला, और जो है वो बहुत मज़े का बना, परांठे के साथ बहुत ही आला बना। तो बच्चों के भी रिव्यू बताती हूँ भाई, वो कैसे बने थे बता दो भाई, बताना। अच्छे बने थे जी, आप बताएं। परांठे ज़्यादा अच्छे लगे, हमने भी खाया था अंडा घोटाला, अच्छा था भाई, बहुत अच्छा लगा। अब मैं भी जो है वो खा रही हूँ खाना, और इसके साथ ही जो है यहाँ पे आज का व्लॉग ख़त्म करते हैं। और अगर अच्छा लगा हो मेरा व्लॉग और आज की रूटीन, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपकी दुआओं का, आपकी मोटिवेशन का मुझे इंतज़ार रहेगा। और जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम, मैंने ना आज में किले से अपने स्टार बनाए, माशाल्लाह। ये ना मैंने बनाया है, बड़ा सबसे छोटा, सबसे बड़ा, सबसे बड़ा, सबसे बड़ा, सबसे बड़ा, छोटा छोटा छोटा।
और ये मम्मा ने ना ग्रीन टी है ना, ग्रीन टी बनाई है।